सभी लोगों को जय माता दी। कार्तिक महीना की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभी तक कार्तिक ना नहाया हो, आज से 5 दिन नहाएगा, पूरे महीने का उसको फल मिलेगा। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। जो पूरे महीना का फल लेना चाहता है, देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आप नहाइए। कल परदोष का व्रत है। देवउठनी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है भाई। आज तुलसी विवाह है। देवउठनी एकादशी वो गुरुवार 23 नवंबर को है। इस देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी इसको बोलते हैं। भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु चार महीना निंद्रा के बाद जग रहे हैं, उठ रहे हैं। देव विष्णु भगवान 6 महीने, इनकी आज के दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है। सुख इनकी पूजा से सुख सौभाग्य धन संतान सब की प्राप्ति होती है। सुख सौभाग्य देते हैं। और ये व्रत, ये सुबह, आज के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल डाल के स्नान करें भगवान विष्णु का। केसर दूध में केसर मिलाकर उनका अभिषेक करें। भगवान विष्णु को नहलाएं, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पहनाएं, पीला फूल, पीला चंदन, पीली मिठाई से भोग लगाएं, उनको अर्पित करें। और जिसके अर्पित करें और गरीबों में बांटें। जो प्रसाद मिठाई जो भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, वो भगवान सभी लोगों में बांटना चाहिए उसको। और आज सबसे अच्छा दिन ये है कि आज भगवान विष्णु को जगने का दिन है और बृहस्पतिवार है। ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। बृहस्पतिवार दिन भगवान अपने दिन वाले दिन ही जग रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन है। खीर बनाएं। आज तो एकादशी है, पूर्णिमा ये भी है, बृहस्पतिवार है, तो खीर बनाएं मखाने की। चावल की खीर ना बनाएं, मखाना या साबूदाना की खीर बना सकते हैं। मिठाई चढ़ा सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को उस पर दीप जलाएं। जिसके पास कर्जा वर्जा है वही सब काम कर सकते हैं। हिंदू रीत के अनुसार आज से शादी विवाह के लिए दिन खुल जाएंगे। माना जाता है भगवान विष्णु के जगते ही मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। ये सुबह भद्रा काल है, 10:02 से रात्रि के 9:02 तक भद्रा रहेगा। इसमें मांगलिक कार्य नहीं करते, ना पूजा पाठ तो कर सकते, पूजा पाठ कर सकते, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। सभी लोगों को विष्णु भगवान के जगने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कार्तिक महीना अपने में अपार पावन महीना है। सभी लोगों को जय माता दी, जय माता दी। श्री हरि के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, केशव के 1 करोड़ नाम, पद्म नाम, विष्णु के, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर पीतल के है तो नहलाओ, नहीं तो लड्डू गोपाल जी हैं उनको बढ़िया नहलाओ, तुलसी दल डाल के भोग लगाओ। भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। आप लोगों को मानवचित की कामना पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु की जय।